Let's go for hassle-free oat milk cake without an oven. Hello everyone, welcome to Pampa's recipe. तो दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही हेल्दी केक रेसिपी लेकर आई हूँ, ओट मिल्क केक, जो कि बिना झंझट के बहुत ही जल्दी और बगैर ओवन और बगैर केक टिन के बन सकते हैं। तो आप शुरू से देख लें एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा बहुत इजी रेसिपी है। तो इस हेल्दी केक की रेसिपी की बैटर हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ओट्स लेंगे, 250 ग्राम्स ओट मिल्क, जिसे हम मिक्सर ग्राइंडर के एक जार में डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे एक एक करके। 150 ग्राम्स जैगरी, जिसे हम गुड़ कहते हैं। 2 अंडे डाल रही हूँ। ये सारा चीज हम ब्लेंड करेंगे, और जो अंडा नहीं खाते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए लिंक चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने एगलेस केक भी बना के रखा है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर हम 100 ml काओ मिल्क डाल रहे हैं, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 30 ml ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। जनरली हम केक में बटर या तो रिफाइंड ऑयल डालते हैं या तो घी डालते हैं, पर यहाँ पर मैं हेल्दी केक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज किया है। एक बनाना लिया है, इसे मैंने कट कर लिया है और इस पर डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सर में लगाकर। तो यहाँ पर हमारी केक मिक्स ब्लेंड होकर तैयार है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पर आप चॉकलेट या कोकोआ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमने यहाँ पर केक ओवन और केक टिन के बगैर केक बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स ले लिया है, जो मार्केट में अवेलेबल मिलती है, 10-15 रुपए में आ जाते हैं। तो इससे हम पहले अच्छी तरह से चारों ओर से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीसिंग हो गई है, अब हम यहाँ पर इसकी जो बैटर है इसे डालेंगे। ये जो बाउल है इसके हाफ लेवल तक ही आप इसकी बैटर को डालें, केक की बैटर। और अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निशिंग करके सजा लेंगे और फिर हम इसे बेकिंग में डालेंगे। मैंने यहाँ पर आलमंड और काजू लिया है, आप चाहे तो और भी तरह की ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है और यहाँ पर बेस में मैं कुछ सॉल्ट डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से हम फ्लैट कर लेंगे। और इस तरह से स्प्रेड करने के बाद एक ऐसे स्टैंड हम लगा लेंगे और इसके ऊपर हम इस केक की बैटर को डालेंगे। पर इससे पहले मैंने 10 मिनट प्री हीट कर लिया था कढ़ाई को, जो कि इसे हम लगाने से पहले ही कर लिए थे, और ये बहुत जरूरी है प्री हीट होना। अब हम इसे ढक देंगे इस तरह से, एक जहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी होल हो इस तरह की लीड से, और इसे मीडियम फ्लेम में 20 मिनट्स हम इसे बेक होने देंगे, और 20 मिनट्स के बाद लो फ्लेम में फिर और 20 मिनट्स हम इसे बेक होने देंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं तो मैंने फ्लेम ऑफ कर लिया है, और यहाँ हम देखते हैं अपनी हैसल फ्री ओट मिल्क केक बनके तैयार है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बेक हो गई है। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये ओट मिल्क केक पसंद आई होगी। ये बहुत ही हेल्दी है और मैंने बहुत कोशिश की है कि कम से कम फैट इसमें डालूं। इसे आप फ्रेश फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स के साथ यहाँ पे सर्विंग के लिए रखा है। इसे आप छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये केक रेसिपी पसंद आई होगी, और इसके साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने नोन्स के बीच, और आप में से अगर कोई न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे केक्स की लिंक्स डाले हुए हैं, आप चाहे तो वो केक भी आप देख सकते हैं, जो कि एगलेस केक है और व्हीट केक है, अलग अलग तरह की केक्स भी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।